हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ कॉइन्स के बारे में बात करने वाले हैं 2018 के लिए, जिनका प्राइस $1 से कम है, और भी बहुत सारी करेंसियों को देखने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, लास्ट वीडियो में हम कुछ कॉइन्स को देख चुके हैं, टॉप रैंकिंग वाली करेंसियों को। ठीक है, मैंने इन्वेस्ट करने के लिए भी कहा था, अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो इस चीज को लेकर मुझे ज्यादा कमेंट ना करें। क्योंकि दोस्तों, मैं ये भी बता चुका हूँ कि किसी भी करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है। हालांकि इस वीडियो में भी हम बातें करेंगे, और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में रोड मैप और दोस्तों एक जो है व्हाइट पेपर को भी देखेंगे। और इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूं, जो भी मैंने कॉइन सिलेक्ट करे हैं वो कैसे करे हैं, ताकि आप कल खुद जो है अच्छे अच्छे कॉइन सिलेक्ट कर पाए, वहां पे मेरी जरूरत ना पड़े। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हमारी वेबसाइट की तरफ। ये दोस्तों हमारी वेबसाइट, नीचे लिंक मिल जाएगा earningtipsforyou.com, और यहां पर लास्ट हमारा ये आर्टिकल था दोस्तों कल वाली वीडियो के लिए, इसके अंदर मैंने कुछ करेंसी को रखा है। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए बिटकॉइन का प्राइस आर में चलता रहेगा, लाइव रहेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए दो आर्टिकल से मैंने डाले, यहां पर देखिए पहला है ये, यहां पर अंडर $1 वाली करेंसी है दोस्तों, इसके अंदर मैंने देखिए कुछ करेंसी को रखा है। अब एक एक करके बताता हूं। देखिए दोस्तों, नंबर वन पे, अब ऐसा नहीं कि मैंने नंबर वन पे रखा है तो ये टॉप होगी, ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहां पर देखिए QPS कॉइन, देखिए दोस्तों ये हर किसी एक्सचेंजर पर अवेलेबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, 79 की रैंकिंग है, यहां पर लाइव प्राइस चलता रहेगा दोस्तों, आप कभी भी आकर देख सकते हैं डॉलर में, बिटकॉइन में, मार्केट कैप 24 घंटे का वॉल्यूम। ठीक है, और मार्केट कैप जो है दोस्तों 303 मिलियन पे दोस्तों 0.6, उसके बाद दोस्तों लगभग 56.67 मिलियन में 24 घंटे का वॉल्यूम है इसका। ठीक है, और ऑलमोस्ट बेटर है दोस्तों, न्यू कॉइन है। ठीक है, यहां पर दिखा देता हूं, अब इसके अंदर आना है दोस्तों, यहां पर क्लिक करते हैं आप यहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट, और यहां पर देखिए दोस्तों लगभग मार्केट में ये कॉइन आया था 21 नवंबर को, मतलब इतना ओल्ड भी नहीं है। और दोस्तों यहां पर देखिए, देखिए मैक्सिमम सप्लाई यहां पर नहीं दी हुई है दोस्तों। ठीक है, अगर मैक्सिमम सप्लाई होती तो हम अंदाजा लगा सकते थे कि ये कॉइन कितने हैं टोटल। देखिए दोस्तों, अभी केवल टोटल सप्लाई है, यानी कि दोस्तों अभी मार्केट में इतने हैं, बाद में ये ऐड कर देंगे कॉइन। ठीक है, अभी जो है दोस्तों लगभग इतनी सप्लाई कंप्लीट हो गई है, लगभग 617 मिलियन और 976 मिलियन टोटल है अभी के लिए। ठीक है, मैक्सिमम अलग होगी दोस्तों, तो ऑलमोस्ट बेटर है दोस्तों, बहुत ही कम बचे हैं अभी कॉइन। ठीक है, तो जल्दी रेट जो है दोस्तों और ऊपर चला जाएगा मेरे हिसाब से, जितनी कम सप्लाई होती है दोस्तों उतना रेट ऊपर जाता है। और यहां पर देखिए दोस्तों, आपको एक और चीज चेक करनी है, यहां पर देखिए डाटा पर जाइए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने देखा है, और इसके बारे में कोई तो बात ही नहीं करता। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों, आपको ऑल टाइम में क्लिक करना है। ठीक है, और यहां पर देखिए दोस्तों, ये कॉइन यहां पर देखिए नवंबर से चल रहा है 21 से मार्केट में, और शुरू में इसका प्राइस कितना था देख सकते हैं, 0.068 था दोस्तों इसका प्राइस। और वॉल्यूम तो यहां पर नहीं दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, मार्केट कैप वॉल्यूम है दोस्तों, मार्केट कैप नहीं दिया, यहां से मार्केट कैप दिया है दोस्तों लगभग 23 से। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका रेट हमेशा बढ़ा है दोस्तों, ज्यादा घटा नहीं, एक बार बीच में लगभग थोड़ा बहुत कम हो गया था। ठीक है, यहां पर देखिए 17 चला गया था एकदम से, क्योंकि जब भी मार्केट में कोई कॉइन लो प्राइस में आता है ऑलमोस्ट बेटर है, तो थोड़ा बहुत पंप डंप चलता है दोस्तों, क्योंकि वॉल्यूम कम रहता है उस टाइम पे। ठीक है, और यहां से दोस्तों मार्केट कैप देखिए, देखिए किसी भी कॉइन के अंदर थोड़ा कम ज्यादा होगा, लेकिन दोस्तों मार्केट कैप नीचे से लेकर ऊपर की तरफ इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आए। ठीक है, ध्यान रखना है, उसी हिसाब से 24 घंटे का वॉल्यूम भी दोस्तों इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों 24 घंटे का वॉल्यूम। अब स्टार्टिंग की तो बात नहीं करेंगे दोस्तों, इसका स्टार्टिंग में देख सकते हैं वॉल्यूम ज्यादा था, और हर करेंसी के ऊपर स्टार्टिंग में वॉल्यूम ज्यादा होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों प्राइस, ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों ये हाई लो ओपन क्लोज होगा दोस्तों, ये ओपन कहां पे हुआ और लो कहां पे बना, क्लोज कहां पे हुआ। ठीक है, आपको क्लोजिंग वैल्यू को भी चेक करना पड़ेगा, यहां पर देखिए दोस्तों क्लोजिंग वैल्यू को चेक करते जाइए। ठीक है, इसके ऊपर यहां पर देखिए 0.9, उसके बाद 18 हुआ, शुरू में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से आप चेक कीजिए ऊपर से लगभग 0.13, उसके बाद दोस्तों 13, 12, 10 हुआ, उसी के साथ साथ यहां पर देखिए दोस्तों ये भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहां पर 10, 9 रहा दोस्तों, उसके बाद एकदम से यहां पर देखिए 9 से सीधा 10, 11, 12, 19 गया, यहां पर देखिए दोस्तों 19 पे जैसे यहां पर 0.2 में गया, और दोस्तों यहां पर देखिए मार्केट कैप कितना इंक्रीज हुआ इसी के साथ साथ, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसी के साथ साथ देखिए दोस्तों यहां पर 43, 37, 17, मतलब वॉल्यूम यहां पर देखिए थोड़ा ज्यादा था, उसके बाद देखिए यहां पर मार्केट कैप ज्यादा हुआ, उसी के हिसाब से वॉल्यूम भी लगभग इंक्रीज हो रहा है। बीच बीच में कभी कभी 24 घंटे का वॉल्यूम कम पड़ जाता है दोस्तों, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा कम नहीं होना चाहिए। और देखिए दोस्तों प्राइस उसी रेशियो में घूम रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहां पर देखिए दोस्तों ये देखिए मिलियन मिलियन, 108, 105, 101, 146, ये देखिए दोस्तों इसी के साथ साथ जो है यहां पर देखिए 57 था मिलियन पे, उसके बाद 37, 28, 52 मिलियन में, उसी के साथ साथ देखिए दोस्तों प्राइस भी इंक्रीज हुआ है।
अब देखिए नीचे से लेकर अभी तक दोस्तों इसका प्राइस इंक्रीज ही हो रहा है। हालांकि 24 घंटे का वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम ज्यादा पड़ जा रहा है, लेकिन दोस्तों इतना भी कम नहीं है। उसी के साथ साथ दोस्तों मार्केट कैप भी देखिए इंक्रीज हो रहा है, तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में और ज्यादा इंक्रीज होगा। दोस्तों आपको ऐसी करेंसियां चूज नहीं करनी है जो एक बार हाई बनाने के बाद फिर डाउन 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 आ रही है। दोस्तों ऐसी करेंसी आपको चूज नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अभी के लिए दोस्तों ऑलमोस्ट बेटर है, ठीक है, और ये थोड़े लंबे समय के लिए होगा दोस्तों। अभी के लिए थोड़ा बहुत अप डाउन चलेगा क्योंकि दोस्तों एकदम से देखिए यहां पर बहुत ज्यादा हाई है और देखिए मार्केट कैप बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, तो अगर थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो उसके बाद कीजिए इस करेंसी के ऊपर। देखिए दोस्तों मैंने केवल इतना देख के किया है, अब इसके अंदर भी मैंने कुछ देखा है दोस्तों, अभी दिखाता हूं आप सभी को, ठीक है। ये यहां पर मैंने दोस्तों ये रोड मैप भी है इनका और इसी कोइन का है दोस्तों, यहां पर व्हाइट पेपर भी दिया हुआ है, आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर क्या दिखाना है दोस्तों, देखिए ऊपर से चेक कीजिए, यहां पर सब कुछ लिखा होता है जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बातें की थी। यहां पर टीम टीम सब कुछ दोस्तों यहां पर सब कुछ दिया होता है। उसके बाद देखिए मेनली इंपॉर्टेंट यहां नीचे दोस्तों यहां पर ये गिटहब का है दोस्तों। हर कोई जो है कोइन मार्केट में, क्योंकि डिजिटल कोइन है दोस्तों, क्योंकि कोडिंग के थ्रू आता है वो, ठीक है, यू ही नहीं बनता। और यहां पर दोस्तों कोडिंग होती है जो मेन है दोस्तों गिटहब है, ठीक है, पॉपुलर वेबसाइट है जहां से हर कोई करेंसी जो है कोडिंग होती है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर व्हाइट पेपर दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए व्हाइट पेपर, और यहां पर देखिए सबको कम्युनिटी दिया है दोस्तों। टीम मैंने कहा था टीम चेक कीजिए, यहाँ पर कितने कितने लोग जुड़ रहे हैं टीम के साथ वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों 2019 तक का यहाँ पर डाटा है, नेटवर्क 2 अपग्रेड किया जाएगा, टेस्टिंग 2018 APR में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, नीचे पढ़ लीजिए यहाँ पर क्या क्या होने वाला है इसके अंदर, यहाँ से हमें थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है दोस्तों। अब इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये होता है रोड मैप, ठीक है, कुछ ऐसा होता है रोड मैप। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों इनने क्या क्या किया है अभी तक इस कॉइन के अंदर और इन फ्यूचर क्या करने वाले वो भी दिया होता है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली नहीं है, लेकिन ये एक रोड मैप होता है दोस्तों, कितने तारीख को क्या किया, किस महीने में क्या किया, सब कुछ यहाँ पर लिखा होता है। तो ये ऑलमोस्ट होना बेटर है दोस्तों, ऊपर देखिए रोड मैप लिखा हुआ है। और यहाँ पर अभी दोस्तों जो है ADA कॉइन का भी दिखाता हूं आप सभी को, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों नेस्ट रखा है मैंने ADA कॉइन को, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो मार्केट कैप है उसी हिसाब का 24 घंटे का वॉल्यूम भी मिलना जरूरी है, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन सेम नहीं है दोस्तों क्योंकि मार्केट कैप ज्यादा ही होता है हमेशा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ADA कॉइन जो अभी 5वीं रैंकिंग में आ चुका है दोस्तों, ये कॉइन अगर इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब खुल जाएगा, इसके अंदर आप चेक कीजिए। और ये भी न्यू है दोस्तों, इतना ओल्ड भी नहीं है मार्केट में। यहाँ पर दिखाता हूँ कब लिस्टेड हुआ था ये कॉइन, ठीक है, बहुत पहले तो था भी नहीं ये कॉइन, ये देखिए अक्टूबर 1 को, ठीक है, जो मार्केट में लिस्टेड हुआ है। और दोस्तों यहां पर आप चेक करेंगे सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको बता चुका हूं, डाटा चेक करना है और ऑल टाइम क्या करना है डाटा, जितना भी पुराना कोइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों यहां पर देखिए जब ये मार्केट में आया था, जब इसका लो था दोस्तों 0.024 में, और यहां पर देखिए मार्केट कैप इतना था लगभग 624 मिलियन का। और यहां से दोस्तों देखिए प्राइस ऑलमोस्ट ऊपर ही जा रहा है, थोड़ा बहुत अप डाउन तो होगा, लेकिन दोस्तों मार्केट कैप बढ़ता होना चाहिए, उसी के साथ साथ वॉल्यूम भी 24 घंटे का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों वॉल्यूम इंक्रीज यहां से एकदम ज्यादा हो गया था दोस्तों, यहां पर वॉल्यूम ये देखिए प्राइस ज्यादा चला गया था। तो ऐसे आपको ट्रेड नहीं लेना, एकदम से ज्यादा अगर किसी कॉइन के अंदर चला गया इसका मतलब नहीं है दोस्तों कि प्राइस एकदम से ऊपर गया। देखिए 6 मिलियन से 18 मिलियन पॉसिबल है नहीं दोस्तों, एकदम से जाना चाहिए 7, 8, 9, 10 करके, तब हम उसमें बिलीव कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और यहां पर देखिए दोस्तों जैसे इंक्रीज हो रहा है प्राइस भी उसी के साथ साथ ऊपर बढ़ रहा है दोस्तों। देखिए 0.05 से 0.11 गया दोस्तों, इसी के साथ साथ ये देखिए वॉल्यूम भी बढ़ा 24 घंटे का और दोस्तों मार्केट कैप भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। और यहां पर बिलियन पे पहुंच गया था दोस्तों मार्केट कैप, उसके बाद बिलियन पे ही रहा है दोस्तों, मिलियन से बिलियन पे चला गया। और यहां पर देखिए दोस्तों रेट ऑलमोस्ट इंक्रीज ही हो रहा था, उसके बाद यहां पर देखिए 24 घंटे का वॉल्यूम भी और ये बिलियन में मार्केट, बिलियन पे देखिए यहां से 10 बिलियन में चढ़ गया था 5 से, ठीक है, सीधा। और दोस्तों सीधा मार्केट ज्यादा हो गया था, 24 घंटे का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया और देखिए बिलियन पे अभी जो है दोस्तों 10, 13, 16, 18 बिलियन पे और मार्केट ऑलमोस्ट अच्छे रैंकिंग में। और दोस्तों अभी लगा सकते हैं उम्मीद कि आगे जाकर और अच्छा करेगा। और 25 बिलियन थोड़ी ज्यादा है दोस्तों, मैक्सिमम सप्लाई टोटल सप्लाई अभी जो है मार्केट में 31 में है और दोस्तों 25 तो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, अब टोटल में कमी जो बचे है उसके बाद कितने ऐड करते हैं 45 में से वो देखते हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट बेटर रहेगा। और यहां पर देखिए मैं इनका एक व्हाइट पेपर दिखा देता हूं दोस्तों, यहां पर देखिए रोड मैप ये होता है एक्चुअल में, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों टॉप पर यहाँ पर लिखा हुआ है सबको टीम के बारे में और देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, कितने तारीख को हुआ, क्या अपग्रेड होने वाला था। और देखिए गिटहब से कोडिंग होती है तो यहाँ पर कोडिंग कहाँ पर हो रही है वो भी बताया हुआ दोस्तों, यहाँ पर आप चैटिंग भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप यूट्यूब पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए दूसरा होने वाला है, इस पर कंप्लीट 75% कंप्लीट हो चुका है, ये अपग्रेड होने वाला है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, वेबसाइट कोडिंग सब कुछ, ठीक है, क्या क्या अपग्रेड कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 50% ये कंप्लीट है ADA कॉइन के ऊपर, लगभग 35% ये कंप्लीट है और 45% ये है और 35%
ये है, 20% ये है, 20% ये है, और यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों इस कॉइन के अंदर, और इन फ्यूचर और भी यहाँ पर अपग्रेड करने वाले हैं दोस्तों। लगभग 2 दिन, लगभग 13 घंटे 19 मिनट 43 सेकंड के बाद यहाँ पर जो है फिर से ये नेक्स्ट अपडेट आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है सब कुछ। तो इस तरीके का एक व्हाइट पेपर रोड मैप कह सकते हैं दोस्तों, इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। और ऑलमोस्ट बेटर कॉइन है दोस्तों, ये न्यू है और बेटर है, ठीक है, दोनों ऊपर की मैंने न्यू कॉइन बताया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मार्केट कैप बिलियन में है, 20 बिलियन। उसके बाद दोस्तों जो वॉल्यूम है लगभग 194 मिलियन में बेटर होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने रखा है पावर को, ठीक है, पावर लेजर को, ये भी ऑलमोस्ट ठीक है दोस्तों, 450 का जो है मिलियन में जो है दोस्तों मार्केट कैप है। वॉल्यूम जो है दोस्तों लगभग 86 मिलियन में है और 24 घंटे का वॉल्यूम, ठीक है। और इसी हिसाब से आपको चेक करना है यहाँ पे डाटा में जाके। और दोस्तों सोशल नेटवर्क में यहाँ पे ट्विटर अकाउंट मिल जाता है इनका, ठीक है, ट्विटर अकाउंट फॉलो कीजिए इनका। उसके बाद दोस्तों मार्केट पर चार्ट पर जाइए, चार्ट पर जाने के बाद आपको एक चीज़ चेक करनी है यहाँ पर कि वो कभी पम्प डम्प तो नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं दोस्तों एक बार एकदम हाई बना के और डाउन चल रहा है एकदम से फिर हाई गया है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। एक बार हाई गया, नीचे आया, फिर दोबारा हाई गया, ये देखिए श्रेणी की तरह जा रहा है एक दोस्तों, होती है ना उसी की तरह यहाँ पर जा रहा है। और यहाँ पर आपको मार्केट से चेक करना है, ये देखिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं कहना भूल गया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मार्केट में वो अवेलेबल है और जो यहां पर एक्सचेंजर है वो रैंकिंग में है या नहीं। देखिए दोस्तों रैंकिंग ऐसे चेक होगी, ठीक है, वॉल्यूम पे जाइए, 24 घंटे बोले यहां पर देखिए एक्सचेंजर, 24 घंटे में कौन सा एक्सचेंजर रैंकिंग पे चल रहा है। अभी जो है दोस्तों बैलेंस नंबर 1 पे था कल, और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा अगर आप बिट्रेक्स पर नहीं करना चाहते तो बैलेंस सबसे बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और दोस्तों वहाँ पर भी KYC है, यानी कि आपको जो है आधार कार्ड या पैन कार्ड का करके वहाँ पर लाइव जो है जाके दोस्तों आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ईजी है दोस्तों, इतना वहाँ पर मुश्किल नहीं है, ठीक है। और जल्दी मैं आपको सभी को बता दूंगा किस तरीके से करना है। अभी जहाँ पर है वहाँ पर टिके रहिए दोस्तों, क्योंकि बिट्रेक्स अभी नीचे चला गया दोस्तों, पोलोनिक्स से पहले बहुत ऊपर था, अभी बहुत ज़्यादा नीचे गया है। और नंबर 1 पे जो अभी आ रहा है दोस्तों वो है बैलेंस, और यहां पर देखिए दोस्तों बिट्रेक्स पे है और यहां पर देखिए बैलेंस पे है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सचेंजर पर है। वो भी आपको चेक करना है कि उस एक्सचेंजर का वॉल्यूम कितना होता है जिस एक्सचेंजर पर ये लिस्टेड है, क्योंकि दोस्तों वॉल्यूम के बेसिस पे ही दोस्तों ये कॉइन जो है रेट कॉइन का ऊपर नीचे जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और बेस्ट एक्सचेंजर कौन सा है उसके ऊपर हमारे यहां पर एक आर्टिकल भी मैंने लिखा था दोस्तों, यहां पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए एक आर्टिकल था दोस्तों, पता नहीं कब लिखा था, ये देखिए दोस्तों बेस्ट एक्सचेंजर, इसके अंदर मैंने कुछ एक्सचेंजर्स दिए हैं और हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है, वो आप यहां पर आकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए XCBG, देखिए दोस्तों XCBG को मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि दोस्तों ये तो डाउन में ही है लेकिन ऑलमोस्ट बेटर है दोस्तों ये कॉइन। अगर इस कॉइन की बात करें देखिए मैक्सिमम सप्लाई 16 बिलियन है, ठीक है, मैक्सिमम सप्लाई लगभग 16.5 कह सकते हैं। अभी तक मार्केट में लगभग 14.5 बिलियन आ चुके हैं दोस्तों, अब कमी है कॉइन लगभग 2 बिलियन कह सकते हैं। और देखिए थोड़े लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करते हैं इस कॉइन को तो ऑलमोस्ट बेटर जाएगा, इसलिए मैं सभी से कह रहा था कि XCBG को होल्ड कीजिए। लेकिन दोस्तों शॉर्ट में तो आपको परफेक्ट टाइम पे निकलना पड़ेगा, ये मैं लॉन्ग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आप सभी को। यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट बेटर है, ठीक है, बहुत सारे कॉइन आ चुके हैं, अब कमी है और मैक्सिमम के बाद आई थिंक ऐड नहीं किया जा सकता और कॉइन को, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेम वही डाटा चेक करना है दोस्तों, सोशल नेटवर्क का आपको उनका प्रोफाइल यहां से उनकी वेबसाइट मिलेगी, उसके बाद आप चैट पे जाकर क्या चल रही है चैटिंग इनके अंदर, जो भी इसके अंदर इन्वेस्टर है ट्रेडर है उनको जरूर चेक करना है आपको। तो इस तरीके से आपको कॉइन को सिलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद मैंने ओके कैश, देखिए दोस्तों ओके कैश भी बेटर है, मैं यहां पर डिजीबाइट की बात नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि उसके ऊपर जो है बहुत सारे कॉइन के ऊपर दोस्तों मैक्सिमम ना सप्लाई दी हुई है ना जो है दोस्तों टोटल सप्लाई दी हुई है, तो उनके ऊपर हमें थोड़ा बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और दोस्तों यहां पर देखिए लगभग 105 बिलियन है, 73 मिलियन आ चुके हैं दोस्तों मार्केट में, ऑलमोस्ट बेटर है कॉइन, ठीक है, 2014 से ओल्ड कॉइन भी है और दोस्तों बीच में डाउन चला गया था हालांकि, लेकिन दोस्तों इन फ्यूचर के लिए बहुत ही बेटर है दोस्तों जहां तक मुझे लगता है। और एक बार पंपिंग डंपिंग भी चली थी दोस्तों इसके ऊपर, लेकिन आई थिंक दोस्तों अभी के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यहां पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो दोस्तों लगभग 52 का है, देखिए मार्केट कैप तो कम है दोस्तों, वॉल्यूम भी उसी हिसाब से ऑलमोस्ट बेटर है, कभी पंपिंग डंपिंग भी चलती है दोस्तों इस कॉइन के अंदर। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उसमें पंपिंग डंपिंग तो नहीं चल रही, वो आपको जरूर चेक करना है दोस्तों। रैंकिंग कम है लेकिन इन फ्यूचर के लिए बेटर है। देखिए दोस्तों NXT कॉइन ये भी बेटर है, इसके अंदर दिखा देता हूं मैं आप सभी को। देखिए मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है और दोस्तों लगभग 998 मिलियन मार्केट में आ चुकी है दोस्तों। बीच में इसमें सेलिंग का प्रेशर ज्यादा था इसलिए जो है डाउन चला गया था दोस्तों मार्केट, और जिस कंपनी के थ्रू ये आया दोस्तों वो कंपनी ऑलमोस्ट बेटर है। ADA कॉइन भी इनका ही है और जो IGNIS आने वाला है दोस्तों, देखिए IGNIS आया नहीं है दोस्तों, मेरे हिसाब से लगभग 5 तारीख
तक आएगा आई थिंक दोस्तों, क्योंकि लेट कर दिया है दोस्तों। जो एडीए कोइन था उसके ऊपर उन्होंने जो है मेन नेट लॉन्च किया है, उस वजह से जो है थोड़ा बहुत डिले हो गया है दोस्तों। ठीक है, वेट कीजिए, आ जाएगा। अब तक जो है मार्केट से लॉन्च नहीं हुआ है दोस्तों किसी भी एक्सचेंजर पर। ठीक है, और यहां पर दोस्तों ये भी ऑलमोस्ट बेटर है, एक बार बहुत ही अच्छा प्राइस भी गया था दोस्तों, अभी बेटर है। आपको यहां पर वही डाटा चेक करना है, वो आपको मार्केट से चेक करना है किस एक्सचेंजर पर है। ऑलमोस्ट दोस्तों बिट्रेक्स पोलोनिक्स बेटर एक्सचेंजर पर ये कॉइन लिस्टेड है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको क्या नीचे है दोस्तों, इलेक्ट्रोनियम। ठीक है, मैं यहां पर ऐड करता जाऊंगा दोस्तों, और जितने भी कॉइन मुझे अच्छे लगेंगे मैं यहां पर ऐड करूंगा। देखिए दोस्तों न्यू कॉइन है, मैंने इसको इसलिए ऐड किया है दोस्तों, एक तो टीम अच्छी है, और दोस्तों मोबाइल माइनिंग है और अभी तो कंप्लीटली अपग्रेड नहीं हुआ है दोस्तों, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और दोस्तों ये जो कॉइन है दोस्तों मोबाइल करेंसी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और मैंने भी पहले इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो में आप देख सकते हैं क्या कुछ है इसमें। और दोस्तों लगभग 24 घंटे मार्केट कैप है दोस्तों। ठीक है, मार्केट कैप दोस्तों 419 मिलियन है, 419 मिलियन, और 24 घंटे का वॉल्यूम लगभग 5 मिलियन पे है दोस्तों। बहुत ही बेटर है, ठीक है, इतना होना। और अभी के लिए दोस्तों रैंकिंग थोड़ी बहुत कम है, तो थोड़ा बहुत संभल के रहिए दोस्तों। ठीक है, अभी इतने अच्छे एक्सचेंजर पर भी नहीं है दोस्तों, बड़े एक्सचेंजर पर नहीं है, और जल्दी आई थिंक बड़े एक्सचेंजर पर आ जाएगा। जैसे आएगा दोस्तों और भी ज्यादा इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैंने कुछ एक और आर्टिकल भी डाला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसके अंदर जाइए दोस्तों, इसके अंदर मैंने कुछ करेंसियों को यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों नंबर वन पे, इन पे $1 से इनका रेट ज्यादा है दोस्तों, इतना भी ज्यादा नहीं है। देखिए स्टीम कॉइन, ये देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। टीम तो बहुत ही बेटर है दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा इसका प्राइस कितना कम था, कितना अच्छा गया है। और दोस्तों यहाँ पर डाटा भी चेक कीजिए, देखिए दोस्तों टोटल सप्लाई कंप्लीट होने वाली, हो सकता है मैक्सिमम सप्लाई और जोड़ दे, लेकिन दोस्तों टोटल सप्लाई देखिए थोड़ी बहुत बची है, और ज्यादा इसका रेट अब जाने वाला है। देखिए मैक्सिमम सप्लाई एड करने के बाद अब कितनी है मैक्सिमम सप्लाई, मैंने भी चेक नहीं किया, लेकिन दोस्तों ऑलमोस्ट बेटर है, 2016 से चल रहा है दोस्तों। टीम बहुत ही बेटर है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है, आप देख लीजिए। और अभी दोस्तों और रेट अप जाने वाला है, थोड़ा बहुत डाउन आने दीजिए, उसके बाद आप बाय करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत लंबे समय के लिए हम इसको होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो है मैक्सिमम सप्लाई यहां पर आते ही जैसे पता चलता है मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, उसी के हिसाब से हम आगे काम लेंगे। उसके बाद दोस्तों XRP इसका भी $1 से ज्यादा है दोस्तों, रैंकिंग बहुत ही बेटर है, आप सभी को पता है, टीम बहुत ही बेटर है इसके अंदर। और दोस्तों देखिए मार्केट कैप की तो बात ही मत कीजिए, 91 बिलियन में है दोस्तों। उसके बाद 24 घंटे का वॉल्यूम जो रहता है अभी के लिए 2.36 बिलियन में, बहुत ही बेटर है, ठीक है, ये कॉइन भी, और हमेशा बेटर रहा है दोस्तों। XRP का मैंने हमेशा होल्ड करने के लिए कहा है, XRP को लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है, शॉर्ट में तो आपको टेक्निकली देख के चलना पड़ेगा दोस्तों, शॉर्ट टर्म में इस तरीके से देख के नहीं होता है। ठीक है, शॉर्ट के लिए आपको टेक्निकली चार्ट ही रीड करना पड़ेगा, मैं लॉन्ग के लिए बता रहा हूं। उसके बाद दोस्तों पे कॉइन, ठीक है, ये भी बेटर है, लेकिन सभी एक्सचेंजर पर आई थिंक नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी सप्लाई लगभग कमी है दोस्तों, उसी के साथ साथ बहुत ही अच्छा कॉइन है, आपको देखना है। बैनेंस कॉइन दोस्तों ऑलमोस्ट अभी इंक्रीज हुआ है, बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ है, और दोस्तों ये बैनेंस एक्सचेंजर का खुद का कॉइन है दोस्तों ये, ठीक है, ध्यान रखना है, खुद का कॉइन है, इन फ्यूचर के लिए बहुत ही बेटर है, क्योंकि दोस्तों एक्सचेंजर बहुत ही ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद दोस्तों BTC है, मैंने फेसबुक पर बहुत पहले 2-3 महीने पहले एक अपडेट दिया था दोस्तों, जब इसका प्राइस आई थिंक 0 समथिंग डॉलर में था, मैंने बाय करने के लिए कहा था, ट्रेड करने के लिए। अभी दोस्तों बहुत ही बेटर गया है, इन फ्यूचर के लिए और भी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों OMG कॉइन, ये भी बेटर है, बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों लास्ट रहा, यहां पर कुछ कॉइन्स मैंने ऐड नहीं किया दोस्तों, जल्दी कर दूंगा, आपको बता दूंगा, मैंने फुल्ली स्टडी नहीं किया है दोस्तों, जैसे कि RDD कॉइन, ठीक है दोस्तों, अभी जो है उसमें सप्लाई भी कुछ ऐसा नहीं है दोस्तों, जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूं वो कंप्लीट नहीं है। उसके बाद डॉगी कॉइन हुआ, SC कॉइन के ऊपर मैं जल्दी अपडेट दे दूंगा आपको, EMC2 हुआ, DigiByte हुआ दोस्तों, इनके ऊपर हम देखेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए आपको उसी कॉइन को सिलेक्ट करना है जिसका मार्केट में अच्छा है दोस्तों, सभी लोग बातें कर रहे हैं उस कॉइन के बारे में। देखिए दोस्तों ऐसे कॉइन को सिलेक्ट करना अच्छा रहता है, ठीक है, आप देखिए आर्टिकल से देखिए, अलग अलग वेबसाइट पर जाकर जहां पर क्रिप्टो ट्रेडिंग से संबंधित है उन पर देखिए, यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, जिस कॉइन के बारे में ज्यादा बातें चल रही है दोस्तों उसी का अच्छा होता है, ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है कहते हैं, और क्रिप्टो में ऐसा ही है दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर कुछ कॉइन है जो अभी नीचे है दोस्तों, लेकिन ऑलमोस्ट अच्छा रहा है, और इन फ्यूचर के लिए और भी ज्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट करे, अब फाइनली दोस्तों आपको इन्वेस्ट किस तरीके से करना है। देखिए दोस्तों XRB भी अभी के लिए अच्छा है दोस्तों, XRB का लगभग सप्लाई कंप्लीट होगी दोस्तों, बहुत ही बेटर गया है आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छे एक्सचेंजर पर नहीं है दोस्तों XRB, ठीक है, उसको देख लीजिए एक बार मार्केट में। और दोस्तों आपको इन्वेस्ट करना है केवल एक कॉइन के अंदर, ना
करें दोस्तों, ये मैं पर्सनली कह रहा हूं आप सभी से, ठीक है। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं, एक कॉइन के अंदर कभी आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन्वेस्ट करना है जो मैंने टॉप वाली एक कॉइन बताया था कल, उसमें एक कीजिए थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आज, थोड़ा बहुत नीचे वाली रैंकिंग में, दो तीन चार कुछ नहीं तो दोस्तों तीन पार्ट में, नहीं तो चार पार्ट में डिवाइड कीजिए। उसमें से एक दो लॉस में भी चले गए, उनका लॉस रिकवर होने में टाइम लगेगा, और दोस्तों जो अलग करेंसी है उनमें आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। ध्यान से कीजिए, देखिए दोस्तों ट्रेडिंग को अगर एक तरीके से किया जाए तो, या इन्वेस्टिंग को दोस्तों क्रिप्टो में जो है एक तरीके से किया जाए तो बहुत ही बेटर होता है दोस्तों, ठीक है। यहां पर तरीका चाहिए होता है, ना कि जो है मार्केट के एनालिसिस ये है वो है आप, ठीक है दोस्तों। यूट्यूब पर ज्यादा, यूट्यूबर जो भी है, मैं खुद को भी यहां पर ले रहा हूं, ज्यादा हम पे भरोसा नहीं करना है आपको, ठीक है। हम तो दोस्तों हर कोई यूट्यूब पर आया है दोस्तों पैसे के लिए, मैं यहाँ पर रियलिटी बताना चाहूंगा, यूट्यूबर मैं भी पैसे के लिए दोस्तों यूट्यूब पर, मैं यूट्यूब से पैसे चाहता हूँ। अगर नहीं चाहता, या कोई भी यूट्यूबर ऐसा है जो यूट्यूब से कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो दोस्तों उनसे कहिए कि जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल कर दे। उनको क्यों इनेबल किया हुआ है, खाली हमें वीडियो देखते देखते आगे आ जाता है दोस्तों, ऐसा कहता है कोई भी जो भी यूट्यूबर है। हाँ, हो सकता है दोस्तों 100% नहीं भी होगा, ठीक है, जैसे मेरा है। मैं दोस्तों एक तो मुझे पैसे चाहिए यूट्यूब से, वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों उसी के साथ साथ मैं नॉलेज भी शेयर कर रहा हूँ आप सभी से, ठीक है। उसका तो मुझे चाहिए, और दोस्तों मैं आपसे पैसे नहीं लेता, और जो है दोस्तों आप सभी का मैं ख्याल रखता हूं, आप सभी को बताया दोस्तों, हर एक कमेंट के मेरे रिप्लाईज होते हैं और मैं हर एक कमेंट को देखता हूं। ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इसके बेसिस पे मैं आगे की वीडियोस बना सकता हूं, जो आपकी डिमांड है उसी तरीके से मैं आगे की वीडियो बनाता हूं। और दोस्तों यूट्यूब पर अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं पैसे के लिए नहीं आया, वो 100% गलत कह रहा है। हाँ, उसका पर्पस और भी हो सकता है, वो अलग बात है, या अपने चैनल को ग्रोथ करना या अपना नाम लेना, लेकिन दोस्तों उसी के साथ साथ वो पैसे के लिए भी आया है, ये हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, आप ध्यान देखिए यहाँ पर दी आई है, और यहाँ पर कॉइन को देखिए डेली का अपडेट। अब दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट किया है आपने, तो डेली चार्ट को नहीं देखना, ये गलती मत कीजिए दोस्तों। बहुत लोग क्या करते हैं, डेली चार्ट को देखते हैं, उसके बाद दोस्तों कन्फ्यूज हो जाते हैं, मार्केट थोड़ा सा डाउन आ गया, यार क्या करूँ, सेल करूँ या रहने दूँ, यार क्या करूँ। देखिए दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म है तो डेली चार्ट को देखिए, डेली बेसिस पे वो आपका फर्ज बनता है, लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए तो डेली चार्ट को मत देखिए दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिए, ये गलत चीज़ है, ठीक है। आप देखिए हफ्ते बाद, महीने बाद, अगर आपको लगे कि अच्छा प्रॉफिट है या कोई दूसरा कॉइन ग्रोथ करने वाला है तो उसमें से आप हटके उसमें जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर कोई कॉइन लॉस में है तो सेल ना करें दोस्तों, रिकवर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी ध्यान रखना है दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत कुछ सीखना है आपको अभी भी, जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, जैसे मुझे कमेंट्स मिलते हैं उनके थ्रू मैं थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करता हूं दोस्तों। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आई होप कि चैनल ऐसा बढ़ता रहेगा, 2018 में भी हम और आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए चलता हूं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अभी के लिए बाय बाय।